हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज का ये हमारा वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम कान्हा जी के लिए जन्माष्टमी का भोग तैयार करेंगे, जिसमें हम पंचमेवा पाक बनाएंगे, धनिये की पंजीरी बनाएंगे, ड्राई फ्रूट्स और नारियल की खीर बनाएंगे, नारियल के लड्डू और पंचामृत से हम इस भोग को बना के तैयार करेंगे। बहुत ही आसानी से हम ये कान्हा जी का भोग तैयार करेंगे। तो चलिए जन्माष्टमी भोग को तैयार करने का तरीका देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम नारियल की खीर बनाएंगे, जिसके लिए मैंने ये पानी वाला नारियल लिया है और इसके छिलके को हम इस तरीके से पिलर की सहायता से छील लेंगे, लेकिन मैंने इसके छिलके को नहीं हटाया है, इसे मैंने ऐसे ही यूज़ लिया है। तो इसे हम एक मिक्सर जार में डाल देंगे और इसका हम दरदरा पेस्ट तैयार कर लेंगे। आप चाहे तो इसे ग्रेटर की मदद से कद्दूकस भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसका दरदरा पेस्ट तैयार कर लेंगे। खीर बनाने के लिए हमने ये थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को हमने थोड़े से घी में रोस्ट किया है, जिसमें हमने ये काजू, किशमिश और बादाम लिए हैं, और थोड़ी सी हमने चिरौंजी का यूज़ किया है, जिसे हम बाद में यूज़ करेंगे। तो हमने एक मिनट तक इन ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से रोस्ट कर लिया है। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी कढ़ाई में हम 500 ml दूध ऐड करेंगे और इसे अच्छे से उबाल आने तक पकाएंगे। ये देखिए, दूध में उबाल आ चुका है। अब हम इसमें नारियल का तैयार किया हुआ पेस्ट डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और 10 से 15 मिनट के लिए हम इसे लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। तो आप देख सकते हैं, खीर अच्छे से पक चुकी है और इसमें गाढ़ापन भी आने लग गया है। और अब हम इसमें रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट्स और चिरौंजी डाल देंगे। स्वाद के अनुसार हम इसमें चीनी डाल देंगे और आधा चम्मच हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे। मिक्स कर लेंगे अच्छे से और फिर से हम 5 से 7 मिनट तक इसे लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखिए, फाइनल हमारी ड्राई फ्रूट्स और कोकोनट की खीर बनके तैयार हो चुकी है, और ये ठंडे होने के बाद और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो इसे ठंडा होने के बाद हम 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। अब हम पंचमेवा पाक बनाएंगे, इसे हम नारियल पाक भी बोलते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने ये एक सूखे नारियल को इस तरीके से ग्रेटर की मदद से कद्दूकस कर लिया है। सूखे नारियल को हम गिट बोलते हैं, जो आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। थोड़े से हमने कटे हुए बादाम लिए हैं, थोड़ी सी हमने रोस्ट की हुई मूंगफली ली है जिसके हमने छिलके हटा लिए हैं, थोड़े से कटे हुए काजू लिए हैं और थोड़ी सी हमने किशमिश ली है। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई में 2 छोटे चम्मच घी डाल देंगे। उसमें हम ये काजू, बादाम, किशमिश और मूंगफली डाल देंगे और इसे हम 1 मिनट तक अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। अब हम इसमें कद्दूकस किया हुआ नारियल पाउडर डाल देंगे, इसे भी हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। तो ये देखिए, ड्राई फ्रूट्स और नारियल पाउडर अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। तो अब हम चाशनी बनाएंगे। चाशनी बनाने के लिए हमने 1.5 कप चीनी का यूज़ किया है। इसमें हम 1 कप पानी डालेंगे और इस चाशनी को हम 1 तारका होने तक पका लेंगे। तो दोस्तों, जब चाशनी में 1 तार आ जाएगा, तब हम इसमें रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट्स और कोकोनट पाउडर डाल देंगे। मेरा वीडियो थोड़ा स्किप हो गया था, इसलिए मैं आप सभी को दिखा नहीं पाई। तो इस तरीके से हम चाशनी में ड्राई फ्रूट्स और कोकोनट पाउडर को डाल करके पका लेंगे और उसमें हम थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे और इसे हम चाशनी ड्राई हो जाने तक पकाएंगे। ये जो मिक्सचर है, ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तब तक हमें इसे पकाएंगे। बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं होना चाहिए। इस तरीके से हम इसको पका लेंगे। और अब एक प्लेट लेंगे, इसे हम घी से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और उसमें हम इस मिक्सचर को डाल देंगे।
और अच्छे से फैला लेंगे इसे। ये देखिए इस तरीके से हम फैलाते हुए इसे सेट कर लेंगे और इसे 2 से 3 घंटे के लिए हम सेट होने के लिए रख देंगे। अब हम धनिया की पंजीरी बनाएंगे। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई में 2 से 3 छोटे चम्मच घी डालेंगे। इसमें हम 1 कप धनिया पाउडर डालेंगे। तो इसे हम 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पर अच्छे से सेक लेंगे। आप चाहे तो मार्केट का धनिया पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप साबुत धनिया को पीस के उसका भी पाउडर बना सकते हैं और इसका कलर भी जो है वो धीरे धीरे चेंज होने लग जाएगा। आप देख सकते हैं इसमें कितना प्यारा कलर आया है। लाइट थोड़ी वीक है इसकी वजह से आपको इसका कलर नहीं दिख रहा है, बट इसका कलर बहुत ही प्यारा आया है। और अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे एक बाउल में निकाल के इसे अच्छे से ठंडा कर लेंगे। तो ये देखिए हमने इसे अच्छे से ठंडा कर लिया है और अब हम इसमें 4 छोटे चम्मच पिसी हुई चीनी डालेंगे। आप चीनी की जगह बूरे का यूज़ भी कर सकते हैं और स्वाद के अनुसार आप इसे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे। आप इसमें ऊपर से थोड़ा सा गर्म किया हुआ घी भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ी ड्राई ही अच्छी लगती है इसलिए मैंने इसे ऐसे ही रखा है। और इसे हम थोड़े से कटे हुए बादाम, किशमिश और पिस्ते से डेकोरेट कर लेंगे। तो ये देखिए धनिया की पंजीरी भी बनके तैयार हो चुकी है। अब हम नारियल के लड्डू बनाएंगे। इसे बनाने के लिए हमने ये 250 ग्राम देसी कैटेड कोकोनट पाउडर लिया है। ये लगभग 2 से 2.5 कप है। इसे हम 2 से 3 मिनट तक ड्राई रोस्ट कर लेंगे। आपको ये डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। तो हमने इसे अच्छे से रोस्ट कर लिया है। अब हम इसमें 1 कप चीनी डालेंगे और इसे भी हम 20 से 30 सेकंड तक पका लेंगे। और अब हम इसमें नॉर्मल टेम्परेचर पर रखा हुआ 1/2 कप दूध डालेंगे। आप इसमें गर्म दूध का यूज़ भी कर सकते हैं। हमें इसमें दूध का यूज़ थोड़ा थोड़ा करके करना है और इस तरीके से चलाते हुए हमें इसका मिक्सचर बनाना है। एक साथ हमें दूध का यूज़ नहीं करना है इसमें। अगर एक साथ दूध का यूज़ करेंगे तो इसमें चीनी जो है वो पानी छोड़ देगी, तो इसलिए हमें बहुत थोड़ा थोड़ा करके दूध का यूज़ करना है। और इस तरीके से हम इसका ड्राई मिक्सचर बनाएंगे। बहुत ही आसान है इसे इस तरीके से बनाना। अब हम इसमें 1 कप मिल्क पाउडर डालेंगे। मिल्क पाउडर डालने से जो है वो लड्डू बहुत ही आसानी से बनते हैं। तो आप इसमें डेरी वाइटनर का यूज़ भी कर सकते हैं, मिल्क पाउडर का यूज़ भी कर सकते हैं। और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। कलर के लिए हम इसमें थोड़ा सा येलो फूड कलर डालेंगे। इसे डालने से इसमें बहुत ही प्यारा कलर आएगा। और इसे हम अच्छे से मिक्स करते हुए ड्राई होने तक पका लेंगे। थोड़ा सा हम इसमें घी डालेंगे और इसे हम लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए पकाएंगे। तो आप देख सकते हैं मिक्सचर गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे हल्का ठंडा कर लेंगे हम। और उसके बाद हाथ पर हम घी लगा करके इसके लड्डू बना लेंगे। बहुत ही इजीली ये लड्डू बनके तैयार हो गए हैं, आप देख सकते हैं। तो हम सभी लड्डू इस तरीके से बना लेंगे। ये देखिए। और इन पर हम चांदी का वर्क लगा देंगे और पिस्ते से हम डेकोरेट कर लेंगे। चांदी का वर्क लगाना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी तरीके से इसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो देखिए नारियल के लड्डू बनके तैयार हैं। अब हम 5th रेसिपी पंचामृत बनाएंगे। पंचामृत बनाने के लिए हमने ये 1 कप दही का यूज़ किया है। खट्टे दही का यूज़ नहीं करना है हमें। 1/2 कप कच्चा दूध लिया है हमने, इसे इसमें डाल देंगे। 1 बड़ा चम्मच हम इसमें शहद डाल देंगे। 1 छोटा चम्मच हम इसमें घी डालेंगे और थोड़ा सा हमने गंगा जल लिया है, इसे भी हम इसमें डाल देंगे। पंचामृत जो है वो 5 चीज़ों से मिलकर के बनता है। अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो आप गंगा जल की जगह पिसी हुई चीनी या फिर मिश्री का यूज़ भी कर सकते हैं।
अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे। इसमें हम थोड़े से तुलसी के पत्ते डाल देंगे और इसे डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पे मखाने का यूज़ किया है। इसे पंचामृत में डालना ऑप्शनल है, तो आप इसे डालें या ना डालें ये बिल्कुल ऑप्शनल है। और पंचामृत भी बन के तैयार है और 3 घंटे के बाद आप देख सकते हैं पंचमेवा पाक अच्छे से सेट हो चुका है। और इसे हम नाइफ की मदद से अच्छे से कट कर लेंगे। शार्प नाइफ का यूज़ करना है हमें, जिससे ये कटने में बहुत ही ईजी होता है। तो इसे इस तरीके से हम पीसेस में कट कर लेंगे। ये देखिए पंचमेवा पाक बन के तैयार है। देख सकते हैं आप कितना टेस्टी बना है ये, और बहुत ही आसानी से हमने इसे बनाया है। तो ये देखिए हमने कान्हा जी के लिए बहुत ही आसानी से 5 तरह का भोग तैयार कर लिया है। और आप ये खीर देख सकते हैं गाढ़ी हो चुकी है अच्छे से। तो अब हम इस भोग को सर्व कर लेते हैं। कान्हा जी के भोग को सर्व करने के लिए हमने इस तरीके से छोटी छोटी कटोरियों का यूज़ किया है। इन कटोरियों में हम इन सभी भोग को सर्व कर लेंगे। तो दोस्तों बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में हमने इस जन्माष्टमी के भोग को बना के तैयार किया है, और बहुत सिंपल तरीके से हमने इसे बनाया है। धनिया की पंजीरी और नारियल की खीर पर हम थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। तो ये देखिए कान्हा जी के लिए 5 तरह का भोग बन करके तैयार है। आप सभी को भी मेरी तरफ से जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप भी इस जन्माष्टमी के त्यौहार पर कान्हा जी के लिए ये भोग ज़रूर बनाएं। और अगर आपको ये जन्माष्टमी के भोग की रेसिपी पसंद आई हो तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों।